वो कौन से ऐसे पांच ऐप हैं जिसके बारे में हम आपको स्टॉक मार्केट में जो है इस समय टॉप में चल रहे हैं या बेस्ट हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी मोबाइल ऐप्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आप जिससे ट्रेडिंग करते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं, और अलग अलग ये जो कंपनीज हैं ये अपने चार्जेस समय के साथ में चेंजेस भी करते जाती है। इसमें वो डिटेल में आप जो है उसके बारे में पहले जान लीजिएगा, उसी के बाद में जो है किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी मोबाइल ऐप पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 वेबसाइट्स के बारे में जो कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज देती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं जिस वेबसाइट का नाम लेना चाहूंगा वो है मनी कंट्रोल। दोस्तों मनी कंट्रोल एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर में काफी अच्छी आपको जो है जानकारी मिलती है, जिसमें आपको कंपनीज जो है स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट है, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सेकंड जो वेबसाइट है दोस्तों वो है इकोनॉमिक्स टाइम। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर में भी दोस्तों आपको जो है काफी अपडेटेड न्यूज आपको मिलती रहती है कंपनीज के बारे में। जो वेबसाइट है दोस्तों उसका नाम है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। और दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी एक काफी अच्छी वेबसाइट जानी जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में जो है जितनी फाइनेंशियल से रिलेटेड न्यूज है वो आपको मिलती रहती है, स्टॉक से रिलेटेड न्यूज मिलती रहती है, तो ये काफी अच्छी वेबसाइट मानी जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर में। इसके बाद में जो चौथा नाम है दोस्तों वो है जी बिजनेस का, और जी बिजनेस भी काफी अच्छी वेबसाइट मानी जाती है स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप जो है अपकमिंग रिजल्ट्स देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट्स में जितनी भी कंपनी जो लिस्टेड होती है BSE में और NSE में, तो उसके जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में जो कंपनीज के जो रिजल्ट आने वाले होते हैं उनके लिए आपको सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो है BSEIndia.com या फिर NSEIndia.com। ये दोनों दोस्तों जो है स्टॉक एक्सचेंज की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, और इसमें आने वाले जितने भी रिजल्ट्स हैं आपको स्टॉक से रिलेटेड वो देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आप जो है जो आने वाले स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स हैं उनकी डेट आप देख सकते हैं कि इस महीने कौन से जो कंपनी है उनके जो है रिजल्ट आने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, और आने वाले समय में भी कौन सी कंपनीज हैं जिनके क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं। अपने मुद्दे में जो है कि हमारे मोबाइल ऐप्स हैं जिनसे आप जो है स्टॉक्स एक्सचेंज कर सकते हैं या आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं या जिसके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना पैसा स्टॉक के अंदर में, तो दोस्तों उसके लिए जो आपको एप्स हैं वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों इसके अंदर में काइट आता है, जो कि ज़ेरोधा का एक प्रोडक्ट है। काइट जो है दोस्तों आप जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप काइट ऐप को यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा ऐप है, काफी फास्ट वर्क करता है, और इसके अलावा इसके अंदर में जो चार्जेस हैं वो आप जाके डिटेल में पता कर सकते हैं, और इसके अंदर में काफी पहले से जो है लोग इसमें उसको यूज कर रहे हैं, इवन मैं भी इसको यूज कर रहा हूं तो काफी अच्छा मुझे समझने आता है। सेकंड जो है दोस्तों जो ऐप है दोस्तों वो है पेटीएम मनी ऐप। और दोस्तों पेटीएम मनी जो है आप जानते ही हैं, किसी को इसको इंट्रोड्यूस देने की जरूरत नहीं है, पेटीएम ऐप तो सभी लोग जानते हैं, वैसे ही पेटीएम मनी नाम से भी ऐप है। इसके ऊपर हालांकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे इसको यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जो ऐप है दोस्तों वो है एंजल ब्रोकिंग का, एंजल वन नाम से। दोस्तों पहले इसका नाम एंजल ब्रोकिंग नाम से ऐप था, अब इस ऐप का नाम जो है चेंज हो चुका है और इसका नाम जो है रख दिया गया है एंजल वन। तो एंजल वन जो ऐप है उसके अंदर में भी आप दोस्तों स्टॉक जो है आप बाय और सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो इसके आगे अब जो ऐप का मैं नाम लेने वाला हूं वो नाम है ग्रो ऐप। दोस्तों ग्रो ऐप भी हालांकि ये काफी नया है मार्केट के अंदर में, इसका जो है समय काफी कम समय में दोस्तों इस ऐप ने काफी अच्छा ग्रो किया है और बहुत सारे कस्टमर्स जो है इसने बनाए हैं इस समय में। अब दोस्तों ग्रो ऐप जो है इसको भी आप जो है स्टॉक बाय और सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। पांचवें नंबर में दोस्तों जिसका नाम मैं लेना चाहता हूं अपस्टॉक्स, और अपस्टॉक्स के अंदर में भी दोस्तों काफी जो है शुरुआती तौर पे जो है क्योंकि ये नया नया ऐप आया है इसमें जो चार्जेस हैं बाय और सेल के वो जो है काफी कम हैं, और नए ऑफर्स के साथ में कई ऑफर्स के साथ में जो है आपको अच्छे चार्जेस जो है इसके अंदर में मिल जाते हैं, कम चार्जेस मिल जाते हैं, तो आप इस ऐप को भी देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो अपस्टॉक्स ऐप को यूज करके भी जो है आप दोस्तों बाय और सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों जो छठवें नंबर पे मैं आपको नाम देना चाहूंगा दोस्तों investing.com का, इन्वेस्टिंग जो नाम से ऐप है इसको भी आप जो है स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छा ऐप है और रिलायबल है, और इसी तरह के जो जितने भी एप्स मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं की तरह ये भी एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको सारी चीजें आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये थे सारे हमारे एप्स और वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है। स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा आप जब भी लगाना चाहें दोस्तों तो जिस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ही सतर्क होकर पैसे को इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट के अंदर में, क्योंकि ये जो है दोस्तों किसी की बताई हुई न्यूज में या दिए हुए टिप्स में आप मत जाइए, अपना दिमाग लगा करिए और हो सके तो ऐसे एक्सपर्ट्स को फॉलो करिए, उनसे जो राय लीजिए जो ऑलरेडी इसका नॉलेज लेके बैठे हुए हैं और इनका डेली का यही काम है। क्योंकि आप जो है अगर किसी को इस इन्वेस्टमेंट को साइड बिजनेस लेके चलते हैं तो हो सकता है कि आपका कैपिटल जो है डाउन हो जाए या आपका घाटा हो जाए। इसीलिए दोस्तों बहुत ही आराम से और बहुत ही समझदारी से इसके अंदर में पैसा लगाइएगा, मेरा आप सभी से यही कहना है। इसी तरह के दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे टेकविला यूट्यूब चैनल में।